मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से बिहार में जिस तरीके से राजनीति हो रही है उस पर कहा है कि जनरल राज टू यहां पर है। इसके साथ ही बीजेपी के दिग्गज नेता ने कई मुद्दों पर बयानबाजी भी की। जनरल राज टू जब हम लोग कह रहे थे चुनाव में तो लोग कहते थे, लोगों को उन्होंने भ्रम में डाला और सत्ता का सुख प्राप्त कर रहे हैं। आज जंगल राज टू से भी नया वर्जन हो गया है, यहाँ लोग भयभीत होने लगे हैं। शाम को निकलने में, सड़कों पर निकलने में यहाँ अपराधियों का बोलबाला हो गया है, AK-47 का बोलबाला है, अपराधियों का बोलबाला। दुर्भाग्य है इस देश में, देश का बंटवारा हुआ था 1947 में, उसका मुख्य पाकिस्तान धर्म के आधार पर ही बटा। आज जब जातीय सम्मेलन करते हो तब तो आप सेकुलर हैं, जब आप हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार या हिंदुओं की बात करते हो तब हो जाते हैं आप कॉमनल और कट्टरपंथी। अब ये देश में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बाबरी मस्जिद में कानून अपना काम करेगा, लेकिन देश की जनता की नज़र में जिन लोगों पर केस है वो निर्दोष हैं, चाहे आडवाणी जी हों, चाहे उमा भारती जी हों, चाहे जोशी जी हों, चाहे विनय कटियार हों, ये 125 करोड़ जनता की नज़र में निर्दोष हैं। कानून अपना काम और अपने चेहरे को चमकाने के लिए आज वो चंपारण सत्याग्रह मना रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये सत्याग्रह बापू का कौन सा संदेश देंगे? हत्या का संदेश जो आज जंगल राज टू हो गया, बलात्कार का संदेश? क्या बापू इन्हीं संदेशों के लिए जाने जाते हैं? बापू का अपमान है ये चंपारण सत्याग्रह के नाम पर घर घर पहुंचाना।